अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की ये टेस्टिंग वीडियो है GTA 5 से मुतलिक। फ्रेंड अगर आपका रिस्पांस यहाँ पर कुछ मजेदार आता है, इंटरेस्टिंग आता है, तो फ्रेंड डेफिनेटली मैं इसकी और भी ज्यादा एपिसोड बनाऊंगा। और फ्रेंड जो आज का एपिसोड है ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि फ्रेंड आज जो है हम इसका आपका रिस्पॉन्स भी जानेंगे, आपके कॉमेंट्स भी जानेंगे और फ्रेंड इसके अलावा एयरपोर्ट पर जाकर कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड आप वीडियो को एंड तक देखते रहें क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। फ्रेंड मैंने गाड़ी भी मंगा ली है, तो फ्रेंड अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को एंजॉय करते रहें, देखते रहें, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फ्रेंड मुझे हकीकत बात है GTA 5 के अंदर बंदों को टपकाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ्रेंड चलिए अब ज़रा एयरपोर्ट पर चलते हैं और मेरी ड्राइविंग से ज़्यादा आप बस ऐसे इग्नोर मारिएगा क्योंकि मैं बहुत ही एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। मेरी अभी भी उम्र 18 साल हुई है तो लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास, तो आप इस बात से थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ और वीडियो को इन्जॉय करते रहें। तो फ्रेंड अब चलते हैं, ज़रा आप गाड़ी को भगाते हैं और यहाँ पर हम एक एरोप्लेन ले लेते हैं और पुलिस हमारे पीछे है और पीछे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो कोई मसला नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है GTA 5 के अंदर। ओके फ्रेंड, तो मैंने कहा है ना ड्राइविंग से आप बहुत मेन रहे, आपका भाई बहुत पक्का ड्राइवर है। तो जल्दी से अपना जो एरोप्लेन है वो ले लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ, कोई मसला नहीं, दोबारा फिर हम ले लेते हैं। और वहाँ से एक बड़ा एरोप्लेन भी आ रहा है तो जल्दी से हम इसे उड़ा लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो काफ़ी बड़ा जहाज़ है तो जल्दी से हम इसे उड़ा के ले जाते हैं। वैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको GTA 5 का मैप नहीं घुमाने वाला बल्कि कुछ ऐसे मज़ेदार करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आसमान में ये काम किया जाए तो क्या रद्द अमल हो सकता है एक एरोप्लेन के साथ। तो फ्रेंड वीडियो को आप देखते रहें, अभी मज़ा आने वाला है। ये देखें, ओ फ्रेंड्स, आप देखा आपने कैसे गाड़ी बजाई और फ्रेंड्स जहाज के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए आसमान के अंदर। फ्रेंड ये काफी मजेदार बात थी। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि फ्रेंड हमने जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फ्रेंड बहुत ही ज्यादा मजा आया। फ्रेंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे भी बहुत GTA 5 के अंदर ऐसे तबाही मचाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो फ्रेंड आई होप कि फ्रेंड आपको ये पसंद आ रहे होंगे एपिसोड। और फ्रेंड अब मैं मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कुछ ऐसी एपिसोड बनाऊंगा और आपको एंटरटेन करता रहूंगा। तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए कि आपको कैसी पसंद आती हैं ऐसे तबाही वाली वीडियोस या फिर नहीं। तो मुझे तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और फ्रेंड यहाँ पर मेरी गाड़ी है वो पंचर भी हो चुकी है तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी इसे दौड़ाएँगे और इससे भी तबाही करेंगे छोटे छोटे, जब तक अभी तबाही तो बड़ी तबाही नहीं कर लेते। तो फ्रेंड आई होप कि फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब करके बताएँ और कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ऐसे और भी ज़्यादा वीडियो लेकर आने लगा हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड यकीन बात है मैं टेक से थोड़ा बोर सा हो गया हूँ टेक्नोलॉजी से। तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करके देखते हैं, थोड़ा कैटेगरी में थोड़ा फेरबदल करके देखते हैं, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो तब तक आप ज़रा वीडियो को आगे तक देखते रहें, अभी और भी ज़्यादा तबाही थोड़ी सी करने वाला हूँ। फ्रेंड तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अब आप देखिएगा एक बड़ी सी तबाही और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ओके फ्रेंड, तो फाइनली फ्रेंड हमने इसे मार डाला है और वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।